खुशहाली अता फरमाए। अब मैं चाहता हूँ कि माशाल्लाह सारे लोग जहाँ जहाँ बैठे हैं बहुत कायदे से बैठे हैं, माशाल्लाह जितने चाचा लोग कुर्सी पे बैठे हैं, नौजवान लोग बैठे हैं, बस कुर्सी पे आयतल कुर्सी का जज्बा लेकर के बैठना है और यह बताना है कि हम लोग कुर्सी वाले नहीं है, हम लोग आयतल कुर्सी वाले हैं। ठीक है, तो जो लोग जहां जहां बैठे हैं वहीं से सपोर्ट कीजिएगा और वहीं से समर्थन कीजिएगा। इन बुजुर्गों की दुआओं का सहारा लेते हुए बस हम बड़ी तेजी के साथ आपके करीब होना चाहते हैं, इसलिए कि मैं बार बार देख रहा था कि आप लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था कि आप लोग सुभान अल्लाह बोलिए, आप लोगों को धक्का मारा जा रहा था कि आप लोग सुभान अल्लाह बोलिए, लेकिन शायद आप लोगों ने यह बता दिया है कि पढ़ने वाले सुनो, हम लोगों को कभी टटोलने की कोशिश मत करना, इसलिए कि हम लोग जितने लोग बैठे हुए हैं सब जिंदा नबी के जिंदा गुलाम बैठे हुए हैं, सब जिंदा नबी के जिंदा गुलाम बैठे हैं, इसलिए कि हर रात हम लोग सोते हैं अपने नसीब के लिए, आज थोड़ी देर जागेंगे रब के हबीब के लिए। तो एक बहुत अच्छा आप लोगों ने मैसेज दिया है और बहुत अच्छा पैगाम दिया है, और सुनो महाराज गान वालों, सुनो इलाके से आने वालों, आप लोगों को मैं यही ताकीद करूंगा कि आप चाहे जलसा में बैठिए या मगरी बाद मिलाद में बैठिए या बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में बैठिए, आप लोगों को टॉर्चर नहीं करना पड़े कि आप लोग सुभान अल्लाह बोलिए, आप लोगों को कहना ना पड़े कि आप लोग सुभान अल्लाह बोलिए। ए मुसलमानों, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, अब आपको चुप रहने का टाइम नहीं है, अब आपको खामोश रहने का समय नहीं है, अब आपको चुप रहने का वक्त नहीं है, आप बहुत चुप रहे हो और आपको चुप रहने से पूरी दुनिया फायदा हासिल कर रही है, आपके खामोश रहने से पूरी दुनिया फायदा हासिल कर रही है, और दुनिया वाला ये रणनीति बना रहा है कि मुसलमानों को बोलने मत दिया जाए, इसलिए कि जब मुसलमान बोलता है तो दुनिया वाला को चुप होना पड़ता है, और जब मुसलमान चुप हो जाता है तब पूरी दुनिया सर चढ़ करके बोलने लगती है। ए पद्मे रसूल में बैठने वालों, ए पद्मे रसूल में शिरकत करने वालों, तुम उन लोगों को पैगाम दे दो कि सुनो दुनिया वालों, अरे तुम्हारे चुप कराने से हम लोग चुप नहीं रहेंगे, इसलिए कि जमाना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना चुप नहीं होता है, अरे जमाना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना चुप नहीं होता है। हम लोग तो कल भी बोल रहे थे, हम लोग आज भी बोल रहे हैं, हम लोग सुबह कयामत तक बोलते रहेंगे, इसलिए कि हम लोगों को बोलने के लिए अरे भारत के हुकूमत ने नहीं सिखाया है, हम आशिकों को बोलने के लिए करबला वाले फातिमा के लाल ने सिखाया है, इमाम हुसैन ने सिखाया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सिखाया। और आगे बढ़ करके सुनो, हाल ये है कि सिद्दीक की सदाकत का आज भी जवाब नहीं, उमर की अदालत का आज भी जवाब नहीं, उस्मा की सखावत का आज भी जवाब नहीं, अली की शुजात का आज भी जवाब नहीं, अरे गौस की गौसियत का आज भी जवाब नहीं, खाजा की खाजगियत का आज भी जवाब नहीं, मखदूम की मखदूमियत का आज भी जवाब नहीं, वली की वलायत का आज भी जवाब नहीं, हाफिज मिल्लत का आज भी जवाब नहीं, मुजाहिद मिल्लत आप भी जवाब नहीं, इमाम मोहम्मद रजा का आप भी जवाब नहीं, हमारी किताब का आप भी जवाब नहीं, हमारे ईमान का आप भी जवाब नहीं, हमारे ईमान का आप भी जवाब नहीं, हमारे अकीदे का आप भी जवाब नहीं, हमारे मसलक का आप भी जवाब नहीं, हमारे मजहब का आप भी जवाब नहीं, इसलिए कि मेरा नबी का आना भी बेमिसाल है और मेरे नबी का जाना भी बेमिसाल है। और जरा मुस्कुरा के बोल दीजिए, थोड़ा समझी लगा के बोल दीजिए, अरे क्या कहना, माशाल्लाह माशाल्लाह, जोर से जोर से जोर से, अरे माशाल्लाह। शेर मोहम्मद भाई, आपका समझते हैं नारा खाली कुर्ता पैजामा दाढ़ी वाला लगाता है, नारा शर्ट और पैंट वाला भी लगाता है, गोया के मेरे बड़े भाई ने बता दिया है तौकीर रजा, अरे कपड़ा किसी का हो दिल तो मदीने वाले का है। माशाल्लाह बहुत अच्छा नारा लगाए मेरे भाई, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस नारे की बरकत से, इस नारे की बरकत से मेरे भाई का सीना अल्लाह इसके नबी का मदीना बना दे। लेकिन नारा बहुत जोरदार था, नारा अच्छा था, लेकिन जवाब एकदम मिस कॉल के तरह फिसफिसी आवाज में। इस जमींदार लोग तो ठीक ठाक जवाब ठीक ठाक दे रहा था, कुर्सी वाले कमजोर पड़ रहे थे। मेरे भाई नारा लगा रहे थे नारे तकबीर, अब आप लोग बोल रहे थे जवाब दे रहे थे। मुसलमान
जानो तो काम ले जज्ब शब्बीर से, और दुश्मनों को खाक में मिला दे तो ना रहे तकबीर से। तो इस्तकबाल एकदम जम करके होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? अब मेरे भाई ने नारा लगा दिया है तो हम ये क्यों नहीं पढ़ेंगे कि खालिक कौन का कितना बड़ा एहसान है। एक खुराक मेरे भाई, थोड़ा सा एक खुराक खा रहा हूं मेरे मशीन से थोड़ा बेस खाली, बेस बढ़ाइएगा, इको मत बढ़ाइएगा, वरना इको के चक्कर में माइक इतना गड़बड़ हो जाता है कि एक बार बोलिए तो 5 मरतब आवाज निकलती है। अभी मुजफ्फरपुर में गया था जलसा पढ़ने के, इतना इको माइक में दे दिया कि तकरीर में चचा मैंने कहा कि वजू करने से पहले मिसवाक करना सुन्नत है, और इको के चक्कर में एक आदमी सुन लिया कि वजू करने से पहले बकवास करना सुन्नत है। गड़बड़ हुआ कि नहीं गड़बड़ हुआ? हम नहीं चाहते महाराजगंज में कोई ऐसा गड़बड़ मामला हो, कि नहीं? तो इसलिए हम पिलेर बजवाते हैं। माशाल्लाह अच्छा अच्छी आवाज हो गई है, माशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे भाई की कमाई में बरकत और रहमत अता फरमाए। अब एक शेर जल्दी से पढ़ता हूँ, मुलायजा फरमाइए, जरा सा झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह हक के बोलो यार, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो बोलने की रात है, साथ में मुस्कुराने की रात है, है कि नहीं? इसलिए कि यहाँ पे सिर्फ आशिक मुस्तफा नहीं बैठे है, यहाँ पे तो मदीने वाले मुस्तफा जाने रहमत भी तशरीफ लाए हुए हैं। शायद लिखा है, सुनिएगा कि खालिक है। अच्छा ये बताइए कि वो जियाउल भाई जलसा में है कि इधर उधर है? यही है। और उनके भाई जो एक निहाल भाई थे वो कहाँ है? वो भी गायब है, है निहाल भाई? अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ताला निहाल भाई को सलामत रखे। देखिए है ना निहाल भाई, और उनके बहनोई थे जुनैद भाई, है जुनैद भाई? माशाल्लाह, देखिए इसी घर के दामाद है, दामाद भी देखिए बेटे ही के दर्जे में आता है, बेटे ही के दर्जे में आता है। जुनैद भाई माशाल्लाह बैठे, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। और उनके यहाँ बहुत अच्छा नाश्ता किया था जावेद भाई, क्या वो कहाँ है? है जावेद भाई? माशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत और रहमत अता फरमाए। बहुत अच्छे मेहमान नवाज है, हम लोग इन्हें क्या उतरे, बहुत शानदार दस्तरखान लगाए, दस्तरखान से पता चल गया कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी क्वालिटी की आदमी है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जावेद भाई को सलामत रखे, अल्लाह इनका सीना इश्क नबी का मदीना बना दे, है ना? जल्दी से एक शेर में पढ़ता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। शायद लिखा वो भाई साहब थोड़ा सा क्या सरदर्द ना करना है, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से है? अरे माशाल्लाह उलमाए किराम को देखिए, आपका मुकद्दर संवर जाएगा, है कि नहीं? हाँ हाँ, लगता है कि नीचे देख करके जियो चला रहे हैं क्या? उसके चक्कर में नहीं रहना है। उलमाए किराम को देखिए, सब पाकीज़ा उलमाए किराम की नूरानी जमात है, उलमाए किराम को देखना सवाब है, सवाब है कि नहीं है? इन लोगों को देखिए, मैं शेर पढ़ता हूँ, मुलायजा फरमाइए, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। के खालिक कौन है का कितना बड़ा एहसान है, खालिक कौन है का अजी कितना लोगों के लिए दुआ करता हूँ, वही उरूज वही आन बान शान हो जाए, अल्लाह करे चचा लोग फिर से जवान हो जाए, है कि नहीं? माशाल्लाह एक शिनाव पर तंबला तो फरमाइए कि बोरी है पे सोने वाला अर्श का मेहमान है, मरहबा चादर नबी की मखमली जुजदाल है। ऐसे ही आप लोग खाली सुभान अल्लाह बोलते रहिए ना, पैसा दीजिए या मत दीजिए कोई टेंशन नहीं है, दो काम एक काम करना, पैसा दीजिए या सुभान अल्लाह बोलिए। देखिए मेरे भाई आ गए, अल्लाह ताला मेरे भाई को हिंदुस्तान का करोड़पति आदमी बना दे। अरे आमीन तो कम से कम बोलो ना यार।
मेरी दुआ से इन बुजुर्गों के अमीर से भाई करोड़पति बन जाएंगे तो आप लोगों को कोई टेंशन है? कोई टेंशन है? तो उनको हम दुआ दे रहे हैं तो आप लोग उनको वही से देख रहे हैं जैसे लग रहा कि कोरोना वही लेकर के चले आ रहे हैं, समझ गए? हाँ, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सारे लोगों को इतनी दौलत दे कि आप लोग मदीने शरीफ का हाजी बन जाइए, खुदा हिदायत दे तो मस्जिद का पक्का नमाजी बन जाइए, है कि नहीं? माशाल्लाह। अच्छा, मेरी दुआ से इन बुजुर्गों के आमीन से अभी रातों रात अल्लाह ने दुआ कबूल कर लिया, अब मेरे भाई जान करोड़पति बन गए, तब तो सुबह में लग साबुन से हाथ मलिएगा, है ना, कि अब करोड़पति बन गए हैं, बगल वाले की जमीन खरीद लेना है कि नहीं? लेकिन नहीं मुसलमानों, अगर अल्लाह ने आप लोगों को करोड़पति बना दिया तो नियत ये मत रखिएगा कि बगल वाले की मकान खरीदेंगे या जमीन खरीदेंगे, नियत ये रखिए कि इसी पैसे से गरीब लड़कियां की शादी ब्याह करवाएंगे, है कि नहीं? तो एक शेर और मैं पढ़ता हूँ, मुलायजा फरमाइए, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कमजोर पड़ रहे हैं आप लोग। कल हम जहां जाने वाले हैं वो एमपी है, एमपी सिंगरौली का इलाका। कल इंशाल्लाह हम आप लोगों का चर्चा जरूर करेंगे कि एमपी वालों, जलसा सुनने का हुनर देखना चाहते हो तो कहीं और मत जाना, चौपारण से मुत्तसिल महाराजगंज चले जाना, एक एक बच्चा बता देगा जलसा कैसे सुना जाता है। हाँ, यानी जब तक धक्का नहीं मारेंगे गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, है कि नहीं? अब तो धक्का वाला जमाना भी नहीं भाई, अब तो सेल्फ का जमाना है कि नहीं? तो इंशाल्लाह आप लोग बड़े अच्छे हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। देखिए असल में हम लोगों की कमजोरी क्या है कि आप लोग तो को दिन भर कमाते हैं, सुबह रात में जाकर सो जाते हैं, हैं, लेकिन एक मरतबा सुभान अल्लाह भी नहीं पढ़ते हैं, दरूद भी नहीं पढ़ते। ये उलमा का एहसान बन रही है कि वो नाक पढ़ने आते हैं, तकरीर करने आते हैं तो दरूद भी पढ़वा लेते हैं और सुभान अल्लाह भी पढ़वा लेते हैं, है कि नहीं? तो छोटी छोटी नेकी को जमा कीजिए, इकट्ठा कीजिएगा, तब ने कयामत के दिन यही सब नेकी काम आएगी, यही सब नेकी काम आ जाएगी। तो मिलाद घंटा दो घंटे का प्रोग्राम होता है, 1000 पर अगर आप लोगों ने सुभान अल्लाह पढ़ लिया तो नाम में अम्मा में बताइए कितनी नेकियां जमा हो जाएगी, है कि नहीं? तो सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, और जब आप लोग सुभान अल्लाह बोल देते हैं तो उससे हम लोगों को क्या पता चल जाता है कि हम लोग कब्रिस्तान में नहीं बोल रहे हैं, लगता है कि खाजा के हिंदुस्तान में बोल रहे हैं, है कि नहीं? हम बस इसीलिए बोलवाते, वरना आपके सुभान अल्लाह के लिए हम लोग मोहताज नहीं है। देखिए चचा आ रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला चचा की उम्र में बरकत और रहमत अता फरमाए। ये जी जी, ये आखिरी बार है कि चचा फिर दोबारा तशरीफ लाइएगा, माशाल्लाह क्या कहने, बड़े अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग मिलते कहाँ हैं, है कि नहीं? अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। हाँ, देखिए हम लोगों के अंदर यही कमजोरी है भाई, कई लोग पढ़ते हैं तो पढ़वाते हैं, हम लोग बोलते हैं तो बोलवाते हैं, और बहुत ऐसे मुकर्रर हैं जो बोलना जानते हैं बोलवाना नहीं जानते। एक मौली साहब की तो आदत ये थी भैया कि मुंह में वो टैबलेट रख लेते थे, जब तक टैबलेट चलता था तब तक तकरीर चलती थी, गोली खत्म तकरीर खत्म। एक दिन 1.5 घंटा हो गया, टैबलेट खत्म नहीं हुआ, पौने 2 घंटा की तकरीर हो गई, गोली खत्म नहीं हो रही है। मौली साहब को शक हुआ कि 1 घंटा में गोली खत्म हो जाती थी, कोटा 1 घंटा का था, टैबलेट 1 घंटे में खत्म, तकरीर खत्म, 1.5 घंटों का खात्मे नहीं हो रहा। मौली साहब निकाल के देख रहे हैं तो गोली नहीं, कुर्ते का बटन चला गया था, समझ रहे हैं? तो हम लोग भैया बोलते हैं तो बोलवाते हैं ना, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। फिर उसे एक शेर पढ़ता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बड़ी है पे सोने वाला अरश का मेहमान है, अमर चादर नबी की मखमले जुजदाल है, मरहबा चादर नबी की आज मखमले जुजदाल है, के चेहरा जैसे रेहल पे माशाल्लाह माशाल्लाह। दिन में जावेद भाई बोले होते कि मामला बहुत अच्छा रहेगा तो हम झोला नहीं बोरा लेकर दिया, बहुत अच्छा मजबा है सुभान अल्लाह। और सुनो मुसलमानों, आप लोगों को इसी नियत से आज का प्रोग्राम में, आज के जलसे में इसी नियत से सुभान अल्लाह बोलना है कि कल जब हम लोगों का नेजा कालम हो और रूह निकलने वाली हो, हम लोग जब दुनिया छोड़ने लगे तो इसी सुभान अल्लाह की बरकत से हम लोगों की जबान पर कलमा
जमा नसीब हो जाए, ताकि दुनिया ये ना कहे कि मरने वाला बेकलमे का मरा है, दुनिया ये कहे कि मरने वाला कलमा पढ़ करके मरा है, कलमा पढ़ करके मरा है। अमर तो मिंबरे रसूल से कहूंगा कि जो आशिके रसूल होता है, जो नबी का वफादार होता है, जो नबी का गुलाम होता है, वो तो मौत से कभी नहीं घबराता है, वो तो मौत से मुसाफा और मुआरका करता है। यही तक नहीं, वो मौत के कलेजे पर चढ़ करके अपनी जिंदगी का झंडा गाड़ देता है और दुनिया वालों को ये पैगाम देता है, सुनो दुनिया वालों, अरे जमाना जीने के लिए पैदा हुआ है, नबी का दीवाना तो सिर्फ मदीने के लिए पैदा हुआ। और जरा सर मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा आप लोग थोड़ा सा चुप रहिए, तो थोड़ा सा चेयरमैन लोगों की बैटरी को चेक करता हूँ अब तक कितनी चार्ज हो पाई है, क्योंकि दुनिया की बैटरी बिजली से चार्ज होती है और ईमान की बैटरी तो सुभान अल्लाह से चार्ज हुआ करती है। आप लोग चुप रहिए, इज्जत बचाइए, एक बार कुर्सी वाले लोग बोल दीजिए सुभान अल्लाह। देखिए हमारे चाचा बहुत बड़ा नोट दे दिए हैं, अल्लाह ताला चाचा की जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। एक बड़ा जरा कुर्सी वाले बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोल रहे जी। वाकई में अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। अब यहां से सुनो, जनाबे बदरुद्दीन साहब मरहूम के तमाम शहजादों ने मिलकर अपने वालिद मोहतरम का सालाना प्रोग्राम रखा। दुआ कीजिए कि जो माँ बाप का वफादार बेटा होता है वही अपने बापा बाबा माँ बाप के नाम से सालाना जलसा करवाया करता है, अपने माँ बाप के नाम से रूह को कुरान खानी करवा कर, मिलाद खानी करवा कर रूह को इस आले सवाब पहुंचाता है। अगले साल गुज़श्ता साल रमजान शरीफ में जनाबे बदरुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अखलाक मंद थे, नेक सीरत के थे, नेक सूरत के थे, लेकिन याद रखो कि जैसे ही जनाजा बदरुद्दीन साहब का घर से निकला तो तसव्वुर में मैंने क्या देखा कि जनाजा निकला, अपने भी रो रहे हैं, बेकाले भी रो रहे हैं, सारे लोगों की आंखें अश्के बाढ़ है। मैंने कहा ए बदरुद्दीन साहब, आपके जाने के गम में सारे लोग आंसू बहा रहे हैं, कोई बोल रहा है दादा जा रहे हैं, कोई बोल रहा है नाना जा रहे हैं, कोई बोल रहा है मामू जा रहे हैं, कोई बोल रहा है चाचा जा रहे हैं, कोई बोल रहा था मेरी घर की बहारें जा रही है, कोई बोल रहा था घर की रौनकें जा रही है। ए बदरुद्दीन साहब, आपके जाने के गम में सारे लोग आंसू बहा रहे हैं, क्या आप भी रोते जा रहे हैं? तो तसव्वुर में जवाब देते हैं, ए दुनिया वालों सुनो, अरे मेरे जाने के गम में सारे लोग आंसू बहा रहे हैं, लेकिन मैं जो जा रहा हूँ तो रोता नहीं जा रहा हूँ, मैं तो मुस्कुराता जा रहा हूँ, मैं तो मुस्कुराता जा रहा हूँ, मैं तो मुस्कुराता जा रहा हूँ। फिर मैंने पलट कर तसव्वुर में सवाल किया, ए जनाबे बदरुद्दीन साहब, आप मुस्कुराते क्यों जा रहे हैं? तो क्या प्यारा जवाब मिलता है, अगर सीने में धड़कता दिल रखते होंगे तो जवाब सुनिएगा, पूरा मजमा मचल जाइएगा। ए बदरुद्दीन साहब मरहूम, आप मुस्कुराते क्यों जा रहे हैं? तो जवाब मिला, सुनो तौकीर रजा, मुस्कुराते इसलिए जा रहा हूँ कि जिस जगह जा रहा हूँ वहां मेरा मुस्तफा तशरीफ लाने वाले हैं, मेरा पैगंबर आने वाले हैं, मेरे नबी आने वाले हैं, मैं अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुलाकात करने जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी कब्र की वो रात होती है, कितनी प्यारी कब्र की वो रात होती है, पहली पहली आका से मुलाकात होती है, सामने आशिक होगा, सरकार का जलवा होगा, वो मंजर कैसा होगा, कैसा मंजर होगा, कैसा मंजर होगा। तभी तो शबाब अनवर गलियों में गुनगुनाया करते हैं कि न मरना याद आता है, न जीना याद आता है, न मरना याद आता है, न जीना याद आता है, कसम अल्लाह के मुझे बदरुद्दीन
कादरी साहब का इंतकाल हो गया, ऐलान हो गया, फला साहब का इंतकाल है, फिर बलाल हो गया। अपने भी आते हैं, बेगाने भी आते हैं, सारे लोग आते हैं, लेकिन इंतकाल के बाद जनाबे बदरुद्दीन साहब को इतना कीमती दूल्हा बनाया गया कि क्या जिंदगी में वैसा किसी को दूल्हा बनाया जाएगा। जैसा इंतकाल के बाद सजाया जाता है, जैसा इंतकाल के बाद उसे दूल्हा बनाया जाता है, क्योंकि जब आदमी जवान होता है तो पहली ख्वाहिश क्या होती है कि शादी हो, शादी के बाद क्या ख्वाहिश होती है कि आले औलाद हो। तो दुनिया में जब दूल्हा बनता है उसे भी नहलाया जाता है, उसे भी दूल्हा वाला जोड़ा पहनाया जाता है, लिबास पहना करके आगे आगे दूल्हा होता है, पीछे पीछे लोग होते हैं, अल्लाह जाने लोग गाना कर बजाते जाते हैं, लेकिन इंतकाल के बाद जब दूल्हा बनाया जाता है उसे भी नहलाया जाता है, सुरमा लगाया जाता है, खुशबू लगाई जाती है, कफन पहनाया जाता है, उसे भी जोड़ा पहनाया जाता है, आगे आगे जनाजा होता है, पीछे पीछे लोग होते हैं, लेकिन ज़बान पर दुनिया का गाना नहीं होता है, बल्कि ज़बान पर कलमा तैयबा हुआ करता है, कलमा शहादत हुआ करती है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हुआ करता है। जनाबे बदरुद्दीन साहब की आज रूह मुस्कुरा रही है, देखो मेरी औलादों को, देखो मेरे चाहने वालों को, कि साल हो गया, एक साल हो गया, लेकिन मैंने औलादों को जो जैसी तालीम व तरबियत से रास्ता व पैरास्ता किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वफादारी का सच्चा सबूत पेश किया। अपने बाप को भूला नहीं, साल हो गया, लेकिन देखो तो अपने बाप के नाम से सुबह कुरान भी पढ़वाया, अब बकरी के बाद जिक्र मुस्तफा भी करवा रहा है। बोलो रूह मुस्कुरा रही है कि नहीं मुस्कुरा रही है? क्योंकि रूह कभी मरती नहीं है, रूह तो हमेशा जिंदा रहा करती है। कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया? अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि मिलाद के बाद, कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद, इंतकाल के बाद इंसान मिट्टी में मिल जाता है। मैं कहूंगा इंसान मिट्टी में नहीं मिलता है, बल्कि मिट्टी से मिल जाता है। कब बोलिएगा, कब बोलिएगा? जब हम लोग का इंतकाल हो जाएगा तब बोलिएगा। तो जरा सा मोहब्बत से बोल दो ना सुभान अल्लाह। देखो इस नियत से सुभान अल्लाह बोलो कि अगर आपके माँ बाप का साया सर पे सलामत है, तो इस नियत से बोल के सुभान अल्लाह की बरकत से मेरे माँ बाप की उम्र में अल्लाह ताला रहमत और बरकत अता फरमा दे। और इस नियत से सुभान अल्लाह पढ़ो कि मेरे माँ बाप का साया सर से उठ चुका है, सुभान अल्लाह का सवाब मेरे भी माँ बाप के रूह को सवाब पहुंचता है। इस नियत से बोलनी चाहिए। तो मरने वाला मिट्टी में नहीं मिलता है। आप मिट्टी देते हो ना, मिट्टी देते ना, क्या पढ़ते? माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। अभी मोतिहारी गया था मैं जलसा पढ़ने के लिए, वहां एक लड़का से पूछा कि बाबू जनाजे की नियत कैसे करते हो, पढ़ के बताओ। तो बोला हजरत हम ये सब झोल झाल में नहीं रहते हैं, जो सीखना चाहिए वो नहीं सीखेगा और जो नहीं सीखना चाहिए वही सीखेगा। अभी ट्रेन में मैं सफर कर रहा था हजरत, एक लड़का मिला, आने के बाद बोला हजरत अस्सलाम वालेकुम। हमने कहा वालेकुम अस्सलाम। बोले हजरत पहचान रहे? बोले पहचान तो नहीं रहे। बोला हजरत हम परमू के रहने वाले, मेरे आप गए थे जलसा पढ़ने के लिए, मैंने आपको पहचान लिया। अल्लाह का शुक्र है कि पहचाना बाबू, खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है, बैठो। उसको प्यार से बैठाया। उसके बाद वो लड़का कहने लगा हजरत एक बात बताइए ना। हम बोला बोलो। बोला आपने पठान देखा? बोला आपने पठान देखा? हमने कहा कि पठान देखा? हमने भी कहा देखा, मैंने पठान देखा, मैंने पठान को देखा है। तो कहा, कह रहा लड़का कितना रुपया वाला टिकट लेके देखे थे? हम तो एक रुपया का टिकट नहीं दिए हैं जी, हम तो फ्री में पठान को देखा है। तो कहा कि हजरत आप फ्री में देख लिए, हम 1000 रुपया का टिकट लेकर के पठान देखा है। हमने कहा है परामु का नौजवान, अरे मैं समझा नहीं किस पठान की तू बात कर रहा है। उसने कहा हजरत बंबई वाला पठान के बारे में हम बोल रहे हैं।
हमने कह रहे बेवकूफ, हम बंबई वाले पठान की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो परेली वाले सरकार ताजू शरिया अख्तर रजा खान की बात कर रहे हैं। हम तो उस पठान की बात कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे हजरत ने बहुत अच्छा नारा लगाया, अल्लाह ताला मेरे हजरत का सीना अल्लाह इश्के नबी का मदीना बना दे। माशाल्लाह बहुत अच्छा, अल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जैसा तो कर भैया वैसा तो रहता सऊदी में, बस 5-10 मिनट और 11 पे खाता पहुंच गया है, उतना ही मेरा टारगेट था। अगर 5-10 मिनट बढ़ जाए तो बर्दाश्त करेंगे, बर्दाश्त कीजिएगा। 5-10 मिनट आप बोले सुनिएगा, जोर से बोलो ना सुनिएगा, जरा हाथ उठा के दिखाइए कितने लोग नहीं सुनिएगा। इस सब बड़ा जलसा में हम लोग घर बार इस्तेमाल करते हैं 12 बजे रात को, अभी बताइए 11 बजा है, अचानक आप लोग एक्सीडेंट कर रहे हैं, है कि नहीं? गोया के इल्लो भी बड़ी तेज है माशा बाप साहब, इल्लो बता रहे हैं तौकीर रजा हम लोग होश में नहीं उठाए हैं, हम लोग तो जोश में उठा रहे हैं, है कि नहीं? मैं कहूंगा भैया होश में भी रहो जोश में भी रहो, खाली जोश में रहने से काम नहीं चलेगा, जोश में भी रहना होश में भी रहना, है कि नहीं? तो माशाल्लाह मजमा बहुत अच्छा है, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। तो होता क्या है कि बाप का इंतकाल हो जाता है, 10 मिनट और सुनिए, चूंकि मुकम्मल बिरयानी की खुशबू आ रही है, हाँ सब तैयार है बिरयानी, है कि नहीं? हाँ हाँ, इसलिए कि भाई जिस्म के लिए खाना चाहिए और रूह के लिए जिक्र मुस्तफा चाहिए। अगर खाना अच्छा ना लगे तो समझना कि जिस्म बेकार है, और जिक्र मुस्तफा अच्छा ना लगे तो समझो कि आपकी रूह बीमार है। तो अगर ये सब अच्छा लग रहा है तो गोया कि अल्लाह ने दिल बहुत अच्छा बनाया है, दिल अच्छा बनाया है, इसलिए कि ये दरूदो सलाम अच्छा है, मेरे आका का नाम अच्छा है, सारी दुनिया की बादशाहों से मुस्तफा का गुलाम अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा आप लोगों को, हम लोग भी आप ये मत समझिएगा कि हजरत लोग इतना गरजदार तकरीर कर रहे हैं लगता है कि खाना वाना खा करके आए हैं, हम लोग भी खाना नहीं खाए हैं, महाराज गांव में एक प्याली चाय पिया, मेंबर रसूल पिया गए हैं। अब बताओ कि जब चाय में इतनी पावरफुल है तो महाराज गंज की बिरयानी कितनी पावरफुल होगी, चाय में बताइए इतनी गरजदार तकरीर, बिरयानी खा के आते तो फिर कितनी 16 बार तकरीर होती। तो पता यह चला कि हम लोग जो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि उसमें दुनिया वालों का फैजान जारी नहीं होता है, बल्कि बरेली वाले सरकार ताजू शरिया का फैजान जारी हो जा रहा है। वही पर्दे से बलवाता है, बंदा बोलता चला जाता है, समझ रहे आप? तो अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। एक और आखिरी मैसेज देता हूँ, उसके बाद जहमत तमाम करता हूँ, बातें तो बहुत सारी है, बयान करने के लिए टाइम चाहिए, कम टाइम में थोड़ी देर आप सुन लो। होता क्या है कि बाप का इंतकाल हुआ, बेटा सऊदी में, बोला डेड बॉडी रोक करके रखो, बाप मेरा मरा है, तत्काल टिकट निकाल करके मैं आ रहा हूं, तत्काल टिकट लेकर की आता है, जहां पे 50,000 का टिकट वहां पे 2,00,000 रुपया का टिकट लेकर आता है। किस लिए? कि अपने बाप का जनाजा पढ़ेंगे। अब आया जनाजा पढ़ने, उसके इंतजार में 2-2.5 दिन रखा रह गया, जबकि हुक्म यह है कि इंतकाल हो तो जितनी जल्दी हो उसके दफन कफन की तैयारी करो, घर में बेटी बालिग हो जाए, कोशिश करो कि जल्दी से इसका निकाह करवा कर ससुराल बसा दो, घर में बेटी बालिग हो जाए, जवान हो जाए, बैठा कर मत रखो, उसके निकाह में पहल करो, जल्दी से ससुराल बसाओ, तालीम और तरबियत देकर ससुराल बसा दोगे तो हुजूर ने बशारत दे दिया कैसे मां बाप को अल्लाह ताला जन्नत का हकदार बना देता है। और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, तो बेटी बड़ी हो जाए तो बैठा कर मत रखना। आज यही वजह है कि टेलीविजन के जरिए से
फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए से ऐसी ऐसी खबरनाक ऐसी ऐसी अफसोसनाक खबरें मिलती है कि पढ़ने के बाद और देखने के बाद रूह कांपने लगती है कि अब्दुल गफूर की बेटी अब्दुल सत्तार की बेटी महेश के साथ भाग गई, दिनेश के साथ भाग गई, फला के साथ भाग गई। उस वक्त इतनी अफसोस होता है कि काश अगर वो मुसलमान अगर दौलतमंद नहीं है तो कम से कम अपने जामा मस्जिद के इमाम के दामन को पकड़ लेता और कहता कि हजरत बेटी बड़ी हो गई है, शादी करने के लिए अखराजात नहीं है, हो सके तो आप मेरे लिए फराहम कीजिए, मेरे लिए जो है रास्ता फराहम कीजिए। मस्जिद का इमाम ऐलान करेगा, बस्ती वाला मिलकर के आपकी बेटी का निकाह करवा करके ससुराल बचा दे ससुराल बसा देगा। ये दिन देखना पड़ेगा कि फला की लड़की गैर के साथ चली गई, फला की लड़की गैर के साथ चली गई। ए मुसलमानों, मुसलमानों की बेटियों को मोहब्बत में जाल में फंसाने की ये बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। हो सकता है महाराजगंज वालों तो अपने माँ बहन की बेटी को इज्जत को बचा ले और कभी अपने बेटी के हाथ में मोबाइल मत देना, अगर बेटी के हाथ में देना तो 30-12 कुराने पाक दे देना, हाथों में चाय नमाज दे देना, हाथों में मसल्ला दे देना, हाथों में तस्बीह दे देना और ये कहना मेरी बेटी ये मसल्ला तेरे बाप ने दिया है, इस मसल्ले पे तू 5 वक्त अपना सर रख करके सजदा कर ले, इस सजदे की बरकत से अल्लाह तेरी अल्लाह तेरी इज्जत और आबरू की हिफाजत अता फरमाए। इसलिए शुक्रिया, इसलिए मुसलमानों बेटी को बैठा कर मत रखना। अल्लाह ने दौलत दिया है तो यूं ही ससुराल बसाओ और नहीं तो मस्जिद के इमाम को पकड़ो, सदर सिक्रेटरी खदानची से मशवरा लेकर बस्ती वालों को कहेंगे, एक एक नबी का दीवाना खड़ा होकर कहेगा कि बरातियों का खाना मैं इंतजाम कर दूंगा। कोई कहेगा आपकी बेटी के लिए सामान हम इंतजाम कर देंगे। इसलिए मुसलमानों अपनी बेटी माँ बहनों की इज्जत को बचाओ और अपने आप को इतना होशियार रहो कि अब सोना मत, अब जागना, और जब तुम जाग जाओगे तो दुनिया सो जाएगी, तुम सो जाओगे तो पूरी दुनिया सर चढ़ करके बोलने लगेगी। बोलने का मौका मत दो, उसे बोलने का मौका मत दो, इसलिए कि जब 313 थे। बस आखिरी बात बोलो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा हजरत, गुस्ताखी हो रही है माफ कीजिएगा। जब 313 थे तो पूरी दुनिया पे भारी थे और आज हम दुनिया वालों के सामने रुसवा हो रहे हैं। यही 313 ने कुफारे मक्का को बता दिया। जब कुफारे मक्का ने ललकार का कहा कि 313 मेरे मुकाबले में आने वाले, मुझसे मुकाबला मत कर, अगर मुझसे मुकाबला करोगे तो मेरे हाथ से तुम कत्ल किए जाओगे, मार दिए जाओगे, निपटा दिए जाओगे, तो तेरी बीवी बेवा हो जाएगी, बेटा टूमर हो जाएंगे, बेटिया यतीमा हो जाएगी, अपने बाप की जैफी की लाठी को मत तोड़, वापिस चला जाओ। तो 313 का हौसला देख महाराजगंज वालों, 313 ने कहा था एक गुब्बारे मक्का सुन, हम वापिस आने के लिए नहीं आए है, इसलिए कि पैदा तो तेरी माँ ने भी किया है और पैदा तो मेरी माँ ने भी किया है, लेकिन तुम लोगों की माँ ने जो पैदा की है वो दुनिया के लिए पैदा की है और हम लोगों की माँ ने जो पैदा की है वो अज़मते इस्लाम के लिए पैदा की है, अज़मते कुरान के लिए पैदा की है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत के लिए पैदा की है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि खुदा ने चाहा तो ऐसा कभी नहीं होगा, खुदा ने चाहा तो, खुदा ने चाहा तो ऐसा कभी नहीं। गुलाम आपका
आपने अच्छा नारा लगा। क्या नाम हुआ आपका मेरे भाई? मोहम्मद कय्यूम। अब्दुल कय्यूम भाई, माशाल्लाह ताला अब्दुल कय्यूम भाई को अल्लाह ताला सलामत रखे, बाजू में अल्लाह ताला ताकत और कुव्वत अता फरमाए। अच्छा एक भाई आप इधर से कोई नारा लगा रहे थे, आप लगा रहे थे ना? मोहम्मद संजय लगा रहे थे। क्या नाम आपका जी? मोहम्मद संजर भाई, माशाल्लाह अल्लाह ताला संजर भाई की भी जबान में अल्लाह चाशनी और लज्जत और बरकत अता फरमाए, और संजर भाई को अल्लाह ताला बाजू में ताकत और कुव्वत अता फरमाए। संजर भाई शादी हो गई आपकी? अच्छा माशाल्लाह, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला संजर भाई की जिंदगी में अल्लाह खुशहाली अता फरमाए, है कि नहीं? अल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए और कदम कदम पे अल्लाह ताला कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। तो दोनों भाई ने बहुत अच्छा नारा लगाया था, ये दोनों भाइयों के जानिब से एक शेर और मैं पढ़ देता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। के गुलाम आपका रुसवा कभी नहीं होगा, गुलाम आपका के सुलगती रेत पर, जोर से सुलगती रेत पर, सुलगती रेत पर कलमा लबी कपाते हैं, सुलगती रेत पर कलमा लबी कपाते हैं, कोई बिलाल के जैसा कभी नहीं होगा, कोई बिलाल के जैसा कभी नहीं होगा, गुलाम आपका। अरे आप लोग जब चुप हो जाते हो तो गैर लोग मेरे नबी की शान में तौहीन करता है। अभी नुकुर शर्मा ने नबी गाली दिया, हम लोगों ने एहतजाज किया कि नहीं किया? एक शेर उन लोगों के लिए जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, आखिरी शेर। के मेरे हुजूर की गुस्ताखियां जो करता है वो एक बाप का, वो एक बाप का बेटा कभी नहीं होगा, वो एक बाप का बेटा नहीं होगा, गुलाम आपका। तो मुसलमानों बातें बहुत सारी हो गई है ना, हम इस मोड़ पर रुके थे, बस उसी को एक मिनट में क्लियर करते हैं, फिर कभी मौका मिला इंशाल्लाह तलाएंगे। तो बदरुद्दीन साहब की रूह मुस्कुरा रही है, चूंकि रूह मरती नहीं है, रूह हमेशा जिंदा रहा करती है कि नहीं? इसलिए कि इंसान मर करके मिट्टी में नहीं मिलता है बल्कि मिट्टी से मिल जाता है। बेटा सऊदी में है, तत्काल टिकट बना के आया, खूब रुपया पैसा खर्च करके आया, जनाजा पढ़ा, मिट्टी दिया, उसके बाद पूछिए कि बाबू इतना रुपया खर्च करके आया, बाप का जनाजा पढ़ा, ये बताओ कि जनाजे की दुआ तुमको तुमने कैसी पढ़ी? बोले हजरत ये तो दुआ हमको यादें नहीं है, अब फायदा होगा 2 लाख रुपया खर्च करके आने से, नियत तक याद नहीं, बालिग है ना बालिग है, कौन दुआ पढ़ेंगे वो भी याद नहीं है। तो बताइए इतना दूर से इतना रुपया पैसा खर्च के जनाजा पढ़ने के लिए आए, क्या फायदा होगा? तो इसलिए महाराज गाय वालों, आपके इमाम बहुत काबिल इमाम है, टाइम दीजिए अपने इमाम की बारगाह में जाइए, और इमाम साहब से हर तरह की दुआएं याद कर लीजिए, इंशाल्लाह तरह ये सब दुआएं याद रहेगी तो इंशाल्लाह अपने माँ बाप का कम से कम सही से आप जनाजा भी तो पढ़ सकते हैं ना, है कि नहीं? वरना आप लोगों कहिएगा कि हजरत हम लोगों के पास उतना टाइम कहाँ, आप लोगों का काम है बोलना, हम लोगों का काम है सुनना, हम लोगों के पास उतना टाइम कहाँ है कि हम लोग दुआ याद करेंगे? पब्लिक तो अब इतनी एडवांस हो गई हजरत, इतनी एडवांस कि इमाम से पहले मुक्तदी लोग रुकू में चला जा रहा है जी, बेचारा मस्जिद का इमाम दुआ कर रहा था, या इलाही रहमत फरमा मुस्तफा के वास्ते, पीछे से मुक्तदी बोला जल्दी दुआ खत्म कीजिए खुदा के वास्ते। अब ना लोग लंबी तकरीर पसंद करते हैं, ना लंबी नमाज लोग पसंद करते हैं जी, अगर इमाम साहब एक गुरु को पढ़ दे तो कितना लोग तो नमाजे में एक दूसरे को हुड़ियाना शुरू कर देते हैं, लगता है कि मौलाना को जितना याद है सब सुनाइए करके छोड़ दे, समझ रहे हैं आप?
तो अपने इमाम के पास जाइए, हर तरह की दुआएं याद कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए। इसलिए कि जो माँ बाप का वफादार बेटा होता है वो दुनिया में भी अपने माँ बाप का वफादार रहता है और इंतकाल के बाद भी अपने माँ बाप का वफादार रहता है। अब मेरे सरकार फरमाते, बस आखिरी बात बोलो, फिर कभी आएंगे तो जहां से छोड़े वहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे सरकार फरमाते हैं कि रोजाना कब्रिस्तान जाया करो, रोजाना मौका ना मिले तो हफ्ता में एक दिन जुमा के दिन जरूर कब्रिस्तान जाया करो। और नबी फरमाते हैं कि जब कब्रिस्तान जाओ तो कब्रे वालों को सलाम कर लिया करो, सुभान अल्लाह, कब्रे वालों को सलाम कर लिया करो, सलाम कर लिया करो। अच्छा, कब्रिस्तान वाला सलाम अलग है, अब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलेगा तो यह सलाम अलग है, एक भाई दूसरे भाई से मिलेगा तो क्या बोलिएगा? सलामो सही से नहीं ना लोग करते हैं आजकल। तो हजरत पूछिए, हजरत का एक मुरीद आया, अब बड़ी सिर से बोला अस्सलामु अलैकुम, तो हजरत ने कहा अस्सलामु अलैकुम नहीं है, अस्सलामु अलैकुम, समझ रहे आप? हाँ, तो यह हालत, तो थोड़ा सा तलफ्फुज को भी सुधारना जरूरी है कि नहीं? हाँ, तलफ्फुज को भी सुधारना जरूरी है। तो हजरत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, भाई दूसरे भाई से मिलेगा तो यही कहेगा, लेकिन कब्रिस्तान वाला अस्सलामु अलैकुम या अहले कुबूर इसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो हुजूर फरमाते हैं कब्रिस्तान जाओ तो कब्रे वालों को सलाम कर लिया करो। अब देखो कि इंतकाल होने वाले का पावर अल्लाह ताला कितना बढ़ा देता है, कितना दर्जा बढ़ा देता है, कितना मकाम बढ़ा देता है। क्या 10 फीट जमीन के ऊपर से सलाम करते हैं तो मेरा सरकार फरमाते हैं कि वो 10 फीट जमीन के नीचे रह करके आपके सलाम का जवाब अता कर देते हैं, लेकिन उनके जवाब को हम लोग सुन नहीं पाते हैं। तो पता क्या चला कि हमसे ज्यादा पावर अल्लाह ने कब्र वालों का बढ़ा दिया। तो मैंने तसव्वुफ में पूछा, बद्रुद्दीन साहब आपका पावर कैसे बढ़ा? तो बद्रुद्दीन साहब ने जवाब दिया, ए तौकीर रजा, पावर इसलिए बढ़ गया कि मैं जब कब्र में दुनिया सोला करके जैसे ही दूर गई तो मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे की जियारत हो गई है, नबी के चेहरे का दीदार हो गया है। इसी के बरकत से अल्लाह ताला ने पावर को बढ़ा दिया। नबी का चेहरा, आखिरी जुमला दे रहा हूं, नबी का चेहरा अपना चेहरा नहीं है। जो आसानी से कहते हैं नबी मेरी तरह, बोलो काहे बोल के फंसता है बुरी तरह। नबी का चेहरा अपना चेहरा नहीं है मेरे भाई, नबी का चेहरा अपना चेहरा नहीं है, नबी का चेहरा कुरान है, नबी का चेहरा कुरान है, नबी का सीना लम नशरह लका सदरक है, नबी की जुल्फे वल फदरी वल याली नशरे है। अरे चांद से तस्बीह देना ये भी कोई इंसाफ है? अरे चांद में तो दाग है लेकिन नबी का चेहरा साफ है, चांद में तो दाग है लेकिन नबी का चेहरा साफ है। अलबौतु तोहफतुल मोमिन, इसीलिए सरकार फरमाते हैं मौत मोमिन के लिए तोहफा है, मौत मोमिन के लिए आइटम गिफ्ट है। तो रात को बिस्तर पे जाओ तो एक मर्तबा मौत को जरूर याद कर लिया करो। मौत मांगना हराम है, मौत को याद करना नबी फरमाते हैं कि इबादत है। और नबी फरमाते हैं कि मौत को याद करने से इंसान की हयात लंबी हो जाया करती है। इसी चंद जुमलों के साथ रुखसत हो रहा हूं, लेकिन मेरी आदत शेर मोहम्मद कादरी बड़ी खराब है। आला हजरत के कलाम से तकरीर शुरू करता हूँ, अब बेदम शाह वारसी के कलाम से तकरीर खत्म करता हूँ। तो एक शेर बेदम शाह वारसी का पढ़ दूं? पढ़ दे, जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। एक बार अपने अपने माँ बाप के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। एक बार अपने अपने दादा के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। एक बार परदादा के नाम पे बोल दो, एक बार लकड़ दादा के नाम पे बोल दो, एक बार सकड़ दादा के नाम पे बोल दो। फरमाते कि या रसूल अल्लाह इतना तो करम करना है, नरे किस मसताना इतना तो करम करना, इतना तो करम करना है, नरे किस मसताना जब जा ले लबो पर हो, जब जा ले लबो पर हो, तू सा मिल आ जाना, जब जा ले लबो पर हो। एक शेर आप
वेदम से वार्षिक पढ़ देता हूं कि दुनिया में अगर तूने मुझे अपना बनाया है, दुनिया में अगर तूने मुझे अपना बनाया है, महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना, महशर पूरा मजमा मेरे साथ मिलकर इस्लाम का पहला कलमा पढ़ लीजिए, पढ़िए कलमा तैयबा ला इलाहा, अदर से जोर से पढ़िए कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, ममालिना इल्लल्लाह।